राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। मेरी कैसी कैसी हवाएं निकलती हैं। शूटिंग पे आए ही नहीं तो पिक्चर क्या आपके पर पूछे पिताजी ने की। 166 पिक्चर कैसी की बिना शूटिंग पे आए। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। आज के शो से ये साबित हो गया कि जी हाँ, गोविंदा का जो मन है वो भी बहुत ही सोने जैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऑडियंस ने भी फुल एंजॉय किया, यहाँ तक कि गोविंदा वाज सो एक्साइटेड एट सम मोमेंट्स दैट ही डांस्ड टू हिज सॉन्ग्स, यू नो, ऑल्दो ही सेड दैट ही डिडंट कम फॉर परफॉर्मेंस, बट ही वॉज सो एक्साइटेड टू सी द बे एरिया ऑडियंस दैट ही परफॉर्म्ड, एंड audience definitely enjoyed his big smile, his voice, his singing and his dancing. So this was truly an awesome moment, and we truly thank Kash Productions and Instant Karma for bringing this beautiful show to the Bay Area. मेरे मित्रगण मुझे कभी कहा करते थे कि गोविंदा जी आप तो काफ़ी हिट पिक्चरें दे चुके हो, इसमें से ये साउथ की फिल्म है, ये आपके पास राइट्स पड़े हुए इसके, तो कृपया ये राइट्स जो है तो मुझे दे दीजिए तो मैं करना चाहूँगा। तो उसमें से ऐसे बहुत से चित्रपट हैं जो मेरे तरफ से खरीदे गए थे पर मेरे साथ वो फिल्में आई नहीं, तो मैं सब लोगों के शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेरा पैसा लगा है, वो मेरी फिल्में नहीं थी परंतु वो मेरे किसी मित्रगण की थी, वो प्रोड्यूसर मेरा साथ आया था, तो मेरे साथ 23 नए डायरेक्टर आए थे और 22 नए प्रोड्यूसर आए थे। वाह, और उसमें से एक दर्जन सुपरस्टार हो गए। उसमें जो जो आर्टिस्ट आए वो सब टॉप पे निकले। ये पिछला जो 10 वर्ष गया है जो हम लोगों ने देखा है जी, इसमें
जो जो टॉप पे थे वो सब मेरे ही घर परिवार के, आप समझ लीजिए। क्या बात है सर। We learned a lot about what Govinda feels. Govinda ji ne shuddh hindi mein जो जो हमें अपने बारे में बताया, अपनी माता जी से उन्होंने क्या क्या प्रेरणा ली, गुरुओं की कृपा, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर कैसे हुई, बहुत ही विस्तार से आज हमें पता चला कि हाउ मच ही इज़ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद पशुपतिनाथ मंदिर इन नेपाल, एंड हाउ ओवरऑल ही रिस्पेक्ट्स वन एंड ऑल। ही फिल्म में मिली तो दिमाग तो खराब नहीं हुआ, सब विपरीत हुआ। मेरी माता जी ने एक दिन मुझसे, मैंने कहा कि मम्मी बहुत पिक्चरें मैंने कर ली हैं और मैं सब टॉप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का पहला वो लकी आर्टिस्ट हूँ जो एट अ टाइम मैं एक शूटिंग से निकलता हूँ तो दूसरी शूटिंग पे जाता हूँ, तो तीसरी पे जाता हूँ, तो चौथी पे जाता हूँ, तो चारों आर्टिस्ट जो साथ में काम कर रहे हैं सब लीजेंड हैं। तो दिलीप साहब से मिलता हूँ तो फिर वहाँ से निकलता हूँ तो फिर अमित जी से निकलता हूँ तो राजेश खन्ना जी से निकलता हूँ तो शत्रुघ्न सिन्हा जी से, वहाँ से निकलता हूँ तो धर्मेंद्र जी से, वहाँ से निकलता हूँ तो जितेंद्र जी से, मतलब मुझ पर कृपा हो गई थी। तो अब ऐसे सीनियर्स के साथ आप जिसको काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उफ ये मौका मिला कि हमें चरणों में कहीं जगह मिल गई। तो मैंने मेरी माता जी से कहा, तो उनको ऐसा लगा कि इसको थोड़ा दिमाग में ये आ रहा है कि मैं स्टार हो गया हूँ, सुपरस्टार हो गया हूँ। तो मुझे कहा कि ये जो सामने जो घर में कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरे में थोड़ा सा खड़े हो जाओ थोड़ा समय के लिए। तो मैंने कहा, मम्मी आप लगता है मुझसे नाराज़ हैं, मैं कचरे में क्यों खड़ा हो जाऊँगा, थोड़ा समय के लिए थोड़ा तो खड़े हो जाओ, ठीक है मैं कह रही हूँ। तो मैं कहा, मम्मी प्लीज़। तो मैं झाड़ू मार के वो कचरा जो है मैं बाहर कर दिया। तो जब बाहर कचरा निकाल दिया तो मुझे कहीं बैठो, तुम विरार से निकले हुए एक मामूली विरार गांव से निकले हुए जय हो तुम मामूली शख्सियत रखने वाले आज तुम टॉप के आर्टिस्ट हो गए हो, तो तुमसे कचरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी। तो तुम ये कहो कि जिस वक्त तुम्हारे शरीर में माँ सरस्वती दाखिल हुई होगी, जिस वक्त उनका प्रवेश हुआ होगा, जिस वक्त उन्होंने ये तय किया होगा कि मैं इस शरीर में अपनी उपस्थिति दूंगी, तो उन्हें कैसा लगता होगा कि कितना स्वच्छ होना चाहिए आर्टिस्ट का मन, उसके सोचने के तौर तरीके, उसका व्यवहार। ये अलग बात है कि हमें थोड़े से भाव उस टाइप के आ जाते हैं, वो स्वाभाविक है वैसा। परंतु जैसे हम विचार करने लगते हैं कि उफ ये जो अंदर आया हुआ है ये कहीं उड़नछू हो गया, तो हमें लोग नहीं पूछेंगे, वो समय तय होता है, वो माई कृपा का होता है। तो जो जो बच्चे लोग यहाँ से देख रहे हैं या चाहे हिंदुस्तान में जो स्टार्स देख रहे हैं, वो समझें कि जहाँ पे कचरा होगा वहाँ पे कभी माँ नहीं होगी, और आप चाहते हो कि माता की उपस्थिति आपके अंदर सदैव रहे, रूप में चेहरे में चमक रहे, चेहरे पे नूर रहे, कृपाएं रहे, तो उसका कभी भी अनादर किसी प्रकार से नहीं हो। बेरिया के जो लोकल आर्टिस्ट है, यंग टैलेंट है, ही अप्रिशिएटेड वन एंड ऑल एंड ही एनकरेज वन एंड ऑल टू बी सक्सेसफुल। So thank you Govinda for your blessings, thank you for your time, and let's have a sneak peek on Your India TV. काम करो।
उसे साथ नहीं है दुनिया है। अगर ये इतना बड़ा सपना है और मेहनत को तुमने माना है तो ये सपना तुम्हें जरूर पाना है, जरूर पाना ही है।
रहा था, किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में घुसे गए तो बहुत ही खतरनाक माहौल हुआ करता था। मतलब 3 घंटा तो आपको यू हैव टू गो एंड सिट ओवर देयर, ये फिक्स था। फिर मैंने सोचा यार ये क्या लगा के रखा है, मैं वीडियो मैंने मेरा टेप बनाया और थमा दिया कि जिस टाइम पे समय हो तो आप लोग देख लीजिए। मैं जहाँ जहाँ गया मुझे काम मिल गया और उसके बाद ये सिस्टम ही बंद हो गया। ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये बिना बात की भाषा बाजी। तो मैं जिस वक्त काम कर रहा था तो ये टॉप के प्रोड्यूसर्स जो हैं ये न्यू कमर्स के साथ और जो खास तौर पे जो नीचे के गरीबी के तबके से आए हुए ये कम तवज्जो दिया करते थे। हैं तो सब अच्छे, देखिए जो जो आर्टिस्ट है वो सब आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, वो सब अच्छे लोग हैं, परंतु जो तवज्जो दिया करते हैं हम, जिसे ऐसे आज हम हौसला अफजाई करते हैं, बच्चों की तारीफ करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कम तवज्जो दिया करते थे। तो मैं वहां पे गया तो मुझे ये समझ में आया ये तो डायलॉग राइटर डायलॉग नहीं लिखेगा, ये जो प्रोड्यूसर है ये स्टोरीज और कहां से ये मुझे मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, तो ये हीरो हीरो आइयो आइयो इधर। तो मैं क्या किया, मैं साउथ से जुड़ गया और मैं साउथ से जुड़ा, मैंने सोचा मेरा नाम गोविंदा है मैं साउथ से जुड़ जाता हूं दक्षिण से। तो मैंने जो भी फिल्म की है वो जो सुपरहिट हुई है जहां पे वो सब दक्षिण की फिल्म है, चाहे शोला शबनम हो वो जंगल में मंगल बनी थी वो दक्षिण की पिक्चर थी, आंखें हो दो फूल वो दक्षिण की पिक्चर थी, राजा बाबू रास पुट्टी दक्षिण की फिल्म थी, कुली नंबर वन जिन्न तंबी, जो हम साहब नाम लीजिए जो जो हिट आप लोग पिक्चर में देख चुके हैं वो सब दक्षिण की फिल्म है। तो आज आप दक्षिण का काम कर रहे थे, अयो तुम तो ये हो जी असल ये हो। माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, वो
जिस वक्त हम लोग सवेरा हुआ करता था पूजा प्रार्थना में लगी रहती थी, 3-4 घंटा पूजा करती थी। आपका लिखा हुआ है, आप लोग इजाजत दें तो मैं आप लोग के साथ जागृत सदा पलक नहीं सो नहीं जाऊं नहीं आऊं मूल द्वार पे बंद लगाऊं आसन सिद्ध कृपे दृष्टि ठहरा श्वास में सूत जगा नहीं जाऊं नहीं आऊं जागृत सदा पलक नहीं सो। गाने में बहुत चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, तो वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समझें कि जो राग वो छेड़ रहे हैं, जो सुर वो लगा रहे हैं, उसके लिए जो माहौल है और जो जगह है और जो समय है, क्या वो करेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो गोविंदा हो जाएंगे। थोड़ा मस्ती करें, थोड़ा धर्मेंद्र जी की तरह रहें, खासतौर पर शाम में। परंतु जो पूजा प्रार्थना का काम है वो थोड़ा सोचने की बात करें, क्योंकि ईश्वर जो है वो वहां पर कान लगाए हुए हर सुर आर्टिस्ट की आवाज जो है उस तक पहुंचने वाली है, वो ये समझे। कृपया ध्यान रहे, लव यू ऑल। The Govinda event. Govinda is here in the Bay Area after a long time. He came to Bay Area previously in 2015. This is 2024, so really a big time. And he's all excited as much as the audience of the Bay Area is excited. And Vaneet ji, I know you are one of the grand sponsors and you truly enjoyed the event. So tell us about your experience. It's a wonderful experience. And जैसे कि आज गोविंदा जी का इतना जड़ और जड़ बोलते हैं कि इंसान की जो मेहनत जिंदगी का और ज़मीन उनसे जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं,
जैसे कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना कुछ बोला, इतनी ट्रू बातें की हैं जो कि रियल नेचर में इंसान में तभी आती है जब वो इन चीज़ों में उनके अंदर अपनी पूरी स्टडी होती है। आई रियली गिव बिग थैंक्स टू इंस्टेंट कर्मा, बिग थैंक्स फॉर यू गाइज कम्युनिटी, ऑल यू गाइज ब्रिंगिंग ऑल कम्युनिटी टुगेदर, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। उम्मीदों की शिलाओं का महल तब खड़ा होता है, उम्मीदों की शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। जिंदगी में जो मिला माँ बाप के आशीर्वाद से मिला, गुरुओं की कृपाओं की वजह से मिला, और मैं जहां जा रहा हूं अमेरिका में, मैं यही मैसेज देके यहां से निकल रहा हूं कि भाग्य में जो लिखा है वो आप चाह रहे हैं कि आपके मिल जाए तो कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत दिल से आगे निकल के आप बहुत कुछ करेंगे तो देखने मिलेगा वो कामयाबी है। परंतु आप चाहते हैं कि जो भाग्य में नहीं भी लिखा है वो मिल जाए तो माँ बाप की सेवा कीजिए। आप चाह रहे हैं कि गोविंद से गोविंदा हो जाए, अनपढ़ होके फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बड़े भैया छोटे भैया को देखी है, मैं हंस रहा था जिस वक्त मैंने वो फिल्म की, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं वो और जो बहुत ही अनपढ़ है मैं, हम साथ में आए, पर आप देखेंगे माँ बाप का आशीर्वाद क्या कमाल करता है। हम साथ साथ नजर आए और हर जगह तारीफ गोविंदा की हुई। ये भूतों ने भविष्य देखा और मुझे इतना प्रेम मिला मेरे सीनियर्स के सीनियर से, बिना प्लानिंग के पूरा करियर मेरा रहा है। कभी ऐसी प्लानिंग नहीं हुई कि ये सब्जेक्ट हो, ये कास्टिंग हो, ये तारीख हो, ये दिन, ये महीना, और इस प्लानिंग के साथ गोविंदा की फिल्म हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। परंतु ये कमाल था कि जिस वक्त लव 86 फिल्म तैयार हो रही थी उससे पहले तो ये कमाल हुआ कि मुझे कह रहे थे कुमार गौरव जी ने बहुत बड़ी हिट फिल्म दी है और उसका नाम है लव स्टोरी, तो गोविंदा वी वांट टू, ये लव जो थॉट है हम चाह रहे हैं कि हम पुनः इसे लाए। तो मेरा बहुत ही फेवरेट नंबर है नंबर 14, पहले तो नंबर 9 और उससे भी बढ़कर नंबर 14। तो मेरा ये सोचना था कि 6 और 8 86 = 14, लव 86 आई है और फिर 14 इयर्स पीछे मुड़ के नहीं देखा। झूठा इल्जाम, मध्य दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, घर की कहानी, शोला शबनम, आंखें, हसीना मान जाएगी, साले चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, दीवाना मस्ताना। छोटा सा या हीरो नंबर वन, ये नंबर वन का तो बहुत कमाल है।
दर्जन पिक्चर में नंबर वन की गया। आखिर पिक्चर जो थी वो मोरूची मावशी नाम का एक मराठी प्ले है, उस प्ले में आंटी नंबर वन हुई। और आंटी नंबर वन क्या आई, फिर चुड़ैल नंबर वन और कैसी कैसी पिक्चर शुरू हुई। तो मैं सोचा कि ये नंबर वन जो है ये आंटी नंबर वन पे ठहर जाए। नाटकीय प्रयोग था तो मुझे लगा ये करेक्ट है। तो हर वो प्रयोग जो नाटक का हो, जिस थॉट में हम आगे निकलते समय देवियों की कृपा रहे, बच्चों के कष्ट न आए, वही अच्छा आर्टिस्ट है, वही ऐसा आर्टिस्ट है जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। मैं खास तौर पे यहां अमेरिका में और इस भूमि में देश काल परिस्थिति से आगे निकल के मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, शुक्र और चंद्र ये देवी कृपा है, इसे लुप्त किया जा रहा है। लुप्त मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्थूल किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अमेरिका यही एक ऐसी भूमि है जिस भूमि से यह आवाज निकले कि शुक्र और चंद्र ना कभी हिलेगा, ना हिला है, ना किसी की ताकत है कि उसे हिला सके, क्योंकि वो माताओं की कृपा है, मां का आशीर्वाद है। मुझे मैंने बड़ा प्यार किया आदरणीय धर्मेंद्र जी से। मुझे गाना दिया गया, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना दिया। मैं कहा प्रभु ये नहीं होगा, ये ना चल में दादा। मैं कहा नहीं, जान तो मां है, उसी की कृपा के वजह से सब सितारे आसमान पे जगमगा रहे हैं, इसे टूटा हुआ तारा नोबडी कैन डू। मेरी कैसी कैसी हवाएं निकलती हैं, शूटिंग पे आएगा ही नहीं तो पिक्चर क्या आपके पर मुझे पिताजी ने की 166 पिक्चर कैसी की बिना शूटिंग पे आए। हाँ, फिर आया करता था गोविंदा जो है पूजा कर करके पता नहीं सब्जेक्ट को इधर घुमा देगा उधर घुमा देगा, तो हिट किसने दी। तो कितनी हिट कहां कहां से, कैसे जो नहीं भी सोची थी ज्यादा वो भी हिट हो गई। ये कई फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो मुझे फिल्में पसंद ही नहीं, मुझे फिल्में नहीं अच्छी लगती, मुझे मेरी फिल्म के सीन बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा गोविंद तुम मुस्कुराते रहो और फिल्म से ज्यादा तुम्हारी फिल्म के गाने चलेंगे, और तुम्हारी जो पहचान होगी तुम्हारी फिल्म से ज्यादा तुम्हारी फिल्म के गाने की वजह से होगी। He also talked about how he didn't want to come for shows for a while because of the respect he had for the elder people in the industry, but now as the time has passed he is becoming pretty open. Aur waqai sundar hai. 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 Are wah. Ye to ye English wali hai nahi hai. देसी हाई निकल गई। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग सब। और मैं बहुत जो आर्ट आपकी तारीफ करना चाहूँगा, जो आप वैजंती जी बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। ये सब बहुत है ही सुंदर और सुंदर लग रही है आपकी वजह से। अच्छा, और जो पहले कभी नहीं कहा आप मुझसे कह रहे थे, मैं वाकई मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये इस प्रोग्राम के बाद मैं फिर निकल रहा हूँ मुंबई की तरफ, तो मैं ये कहना चाहूँगा
आप लोगों के लिए, खास तौर पे आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, वो ये कि इससे पहले ऐसे बहुत मौके आए कि मैं तरह तरह से आप लोग की सेवा प्रदान कर पाऊं, पर वो मौके मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस वक्त हमारे सीनियर साथ हो, ऐसे लोग जो चंद्रमा के समान हमारे समक्ष हो और खासतौर वृद्ध वर्ग के हो, आपके नूर, आपकी जो कृपाएं हैं और वर्षानुवर्ष तक जो हम रोटी खाते रहे हैं उसमें शोषा करें, ऐसा मैं नहीं हूँ। ऐसे मेरे माता जी का आदेश था कि मैं सेवा मुझे मिले और सेवा का अवसर मिले तो भी मैं आगे नहीं आऊंगा। और अब ये समाज, ये माहौल है, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य सेवा करना चाहूंगा। क्या बात है। और मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मुझे इस योग्य समझते हो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं हर तरह मैं आप लोगों की सेवा प्रदान कर पाऊं, चाहे जो बच्चा जहां से, जो आर्टिस्ट कहां कहां से आया है और दिल में क्या क्या उम्मीदें लेके आया है, माँ बाप के आशीर्वाद लेके आया है, मैं कम से कम ये तो कर, मैं सदैव चाहूँगा कि वो आगे निकले, टॉप पे आए, और चाहे उसकी जो क्षमता हो, उसकी जो क्षमता है उसी क्षमता में वो कैसे टॉप पे आ सकता है उस जगह के मकाम पे। क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी जो काम कर रहा है, जो बहुत हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, वो उस जगह में, उस जगह का, उस घर परिवार का, उस पूरे कुल का, वो किसी हीरो नंबर वन से कम नहीं होता है। तो मैं आप लोग के साथ हूँ।
बगल में एक गांव है नाला सोपारा, वहाँ हाँ वहाँ 400 एकड़ ऑफ लैंड था, तो उनका नाम था लक्ष्मण। तो मैंने कहा लक्ष्मण जी आप वो जगह खरीद लीजिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे, और जिस वक्त बहुत पैसा कमाएंगे थोड़ा पैसा फिल्म लाइन में लगाएंगे। तो उन्होंने वैसा किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। कमाने के बाद वो मुझे मिले, दैट वॉज अभी वो रहे नहीं है, पर मैं उनको बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, बच्चे वो लोगों के कामयाब हो, क्योंकि मैंने ही सौगंध टाइटल लिया था, और जो अक्षय की पहली फिल्म थी जी उसमें जो पैसे लगे थे वो उन्हीं के लगे थे। अरे वाव। रास्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये फिल्में मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से कर पाया। मैं आप लोगों की तारीफ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि काफी समय हो गया मैं हर जगह जा रहा हूं, पर अमेरिका में ये मैंने देखा कि किसी भी मुकाम पे किसी फंक्शन में कहीं जो प्रयोग हुए हों लोग मुझे पराए नहीं लगे, सब मुझे लगा। मुझे शिल्पा शेट्टी मैंने देखा, मुझे बहुत प्रेम आया। मैं कहा यार कितना इसका स्माइल देखिए, कितना उसका कितना जेन्युइन और कितना भोला और कितनी सुंदर, मुझे ऐसा लगा ये सुपरस्टार हो जाएगी। फिर मेरी फिल्में 6 पिक्चरें नहीं चली उसके साथ। अच्छा फिल्मों के गाने चल जाते थे, जिस टाइम पे गाने रिलीज होते थे सब सुपरहिट हो जाते थे और पिक्चरें नहीं चलती थी। तो कई टाइम ऐसा पोपट हुआ है कि मैं मेरी तारीफ कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा होता तो मैंने शुरू में मेरे साथ लोग काम नहीं करते थे, तो मैं गया, मैंने कहा ये मैंने हत्या पिक्चर का राइट्स खरीदा है, तो लोग कहते थे यार तू बच्चा नजर आता है, तो बच्चे का बाप कैसे प्ले करेगा। मैं कहा यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे गुंडा प्ले करना है तो थोड़ी ना गुंडा बनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो आई विल प्ले दिस, आई वॉन्ट टू बाई दिस सिनेमा, तो इट्स अ सिनेमा। और वो हुआ और वो सुपरहिट हुई। उस वक्त मेरे भाई साहब उसमें तय नहीं थे, मैं और मेरे भाई साहब हम लोग पूरी फिल्म लाइन में घूमे होंगे, और हम लोगों ने हर किसी से कहा कि सर वी वॉन्ट टू हैव अ बिगर डायरेक्टर फॉर दिस, वी वॉन्ट टू मेक अ फर्स्ट फिल्म विद इन अवर माई करियर। नोबडी डिड द फिल्म। तो हम शाम में बैठे थे दोनों भाई उदास चेहरे उतरे हुए, पैसे वाला पिक्चर ही नहीं कर रहे लोग। तो मैंने कृति की तरफ देखा, मैं कह रही है कि कीर्ति मुझे पता है मेरा नाम क्यों है इतना दुनिया में पूरी, अरे क्यों, क्योंकि ना मेरा बड़ा भाई कीर्ति है, मुझे ईश्वर ने कीर्ति दी है, मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, ये जो मेरी फिल्म है ये 9वीं फिल्म है और ये भाई करेगा। तो वो सुपर हिट हुई जिसमें वो गाना था मैं प्यार का पुजारी मुझे प्यार। तो समटाइम्स आपके जो इंस्टिंक्ट होते हैं, इंस्टिंक्ट मेरे सब वर्क कर जाते हैं। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि मुझे थॉट आया हो, वो किसी न किसी जगह पे वो जो थॉट है या तो मैंने चित्रपट में देख लिया या तो मैंने टेलीविजन पे देखा है या किसी न्यूज़पेपर में देखा है, पर मेरी कनेक्टिविटी है। We have the wonderful promoter of the Bay Area, Bhavani Joshi, who was behind this very successful show. So tell us what was all the orchestration behind it and how did you feel when actually now that you have delivered? So this was a very fast concept. We designed it within a month.
Mm-hmm. We knew that Govinda ji was coming and we didn't want to lose this opportunity on hosting him. And we wanted to have a fun night with him because he's such an amazing person. So the whole idea was, let's have a great time, bring out the talent of Bay Area, have a fun event with lots of food and music and dance and just have a great time. And it was delivered. And needless to say, there were a lot of shopping booths. I really loved the jewelry and a lot of, you know, good products that you showcased for the audience to purchase. What was your favorite? My favorite? Spandan was a very nice design booth, so I really liked that. In fact, I liked everybody. They were all very good. I love the food festival because, in fact, it was funny because I felt like every single food stall, people said that this was like the best food festival because they loved every single stall. And we had Feast India Company, Gol Ice Cream, Halal Fest, Chicken, and you know, Flair and Fames. We had Peacock, we had Dosa, we had Chaat, we had Pani Puri, and we had Vada Pav. So it was really good. Name it and it was there. So Bay Area's Got Talent was also super successful. You know, it attracted so many different kids from so many different backgrounds and, you know, probably of varied ages as well. So what was your selection criteria? I know you had judges, particularly I am in all appreciation for Amit and Hiren from ICC Bollywood, but I know there were other talented judges as well. Anything you would like to say about this show? The idea was that we had singers, you know, professional singers who were judges. We had an actress, we had actors, we had dancers, so that we can cover all the different aspects of it. So we have all kinds of variety, and that's in one way we just get everybody together and have a fair result. So yes, some hearts were broken, but Govinda ji made up for it because he made everybody a winner. So hope each one of you had a blast, and to continue that fun, keep watching Yo India TV, and thank you again. Thank you so much. आज तक मेरे फिल्म के गाने हर फंक्शन में चला करते हैं, हर माहौल में लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, मजा करते हैं. I love it. यही हम लोगों में रहे तो अमेरिका में आके मुझे ऐसा लगा कि ये हरियाली जो छाई हुई है ये सब जड़ से जुड़े हुए हैं. और ये सदैव जड़ से जुड़े रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं. जो जो बच्चे चाहते हैं नीचे से ऊपर आए, गोविंदा गोविंदा हो जाए. बहुत सेवा कीजिए माँ बाप की. अच्छा, माँ बाप की सेवा तो सब करते ही है, वो तो किया ही करिए. थोड़ा ज्यादा सेवा करता है जो, वो तो बहुत कमाल हो जाता है साहब. आपके साथ ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है ऊपर वाले की, ऐसी नेचर की कृपा हो जाती है कि लोग तो सोचने नहीं लग जाते हैं. अरे ये निकला, यहां से निकला, वहां से निकला, यहां दबाया, वहां निकला, वहां दबाया, यहां निकला, अरे तो निकलता ही चला जा रहा है. मैं प्रार्थना भी करता हूं और वचन देता हूं, जो जो बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे बहुत आगे निकलेंगे. लव यू ऑल. मेरा दिल
जिस वक्त लगा करता था मुझे कि ये पिक्चर नहीं चलेगी ड्यू टू दिस. होता क्या है, लोग चलती गाड़ी का बोनट खोल लेते हैं. चलती गाड़ी का बोनट कैसे खोलते हैं, आपकी पिक्चर मस्त लग रहा है, किसी ने देख ली और ये लगा सुपरहिट होने वाली है, तो अजीब वो गरीब टाइप की एक सजेशन लेके वो नहीं, वो हम लोग क्लब में देखते थे, लोग क्लब में रमी खेल रहे होते थे तो पीछे से एक आदमी, ये चेहरा नहीं मेरे भी आ गए. अबे यार लेकिन गेम हम लोग खेल रहे हैं, बाजी हम लोगों की लगी हुई है, तेरे चेहरा ने कहाँ से आ गए. तो आई नेवर एक्सेप्ट दैट. तो मुझे लगा ये फ्लॉप है, तो आई नेवर यूज टू एक्सेप्ट. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे सीनियर्स ने बहुत प्यार किया है, मैं आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का धन्यवाद दूंगा. मैं उनकी शूटिंग पे था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और शूटिंग चलते चलते मुझे ऐसा लगा, मैं उनसे क्षमा मांग के ये कहना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही कमाल व्यक्ति विशेष मतलब विभूति हैं वो. तो मेरा ऐसा सोचना है कि मैंने सोचा, तो मैंने कहा इनकी पहली फिल्म आई थी जो जिस वक्त वो उनकी वापसी हुई थी हम, उसमें गाने सब सुपरहिट थे, पिक्चर नहीं अच्छी थी. और फिर अग्निपथ आई, वो पिक्चर अच्छी थी, गाने ही नहीं अच्छे थे. तो इनका मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रोक टोक लग रही है, तो मैं उनको साइड में ले गया. मैंने कहा भैया मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करके आपसे कहना चाहूँगा कि आपका ये समबडी इज ट्राइंग टू डिस्टर्ब योर करियर, ये जो हम लोग शूट कर रहे हैं क्लाइमेक्स, दिस इज नॉट सक्सेसफुल, ये होगा नहीं हिट. तो हम लोगों ने पहली फिल्म की थी हमने समुंदर किनारे पे किया था, और अब उस सेकंड में अब हम हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हम समुंदर में चले जाते हैं. तो आप देखिए, तो वो फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो समुंदर में हुआ, और वही हुआ जहाँ हम शूट हुआ था, सेम लोकेशन. तो उन्होंने वो पिक्चर की शूटिंग कैंसिल कर दी. तो मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे मेरे सीनियर्स जो हैं वो मुझे प्यार किया करते थे और करते हैं, और मैं प्रणाम किया करता हूँ, चाहे जहाँ हूँ चाहे जिस हाल में हूँ मैं धन्यवाद दिया करता हूँ. क्या बात है, काश प्रोडक्शंस ने ऐसा कर दिया कि काश गोविंदा बेरिया में होते और वो सबकी कामना सबकी इच्छा पूरी हुई. गोविंदा आज बेरिया में आए, सबके साथ बहुत ही खूबसूरत बातें की, ऐसी बातें चुन चुन के उन्होंने बताई जो किसी को पता नहीं थी. शुद्ध हिंदी में क्या वार्तालाप हुआ, और ऑडियंस जो थे बिल्कुल इम्प्रेस से. तो मैं कहूँगी काश प्रोडक्शन रॉक्स, यू कविता मेड इट पॉसिबल. तो पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस है? It was a great experience. This was my third outing with Govinda ji. मैं पहले previous life में reporter रह चुकी हूँ, तो मैं उनको काफ़ी दफ़ा interview कर चुकी हूँ. बड़े मज़ेदार हैं इंसान. This event would have not happened without my partners, which is Radio Zindagi, Neeraj Dhar and Bhavani and Amitabh, Instant Karma. It takes a village to bring a person like Govinda ji to Bay Area, and I cannot not thank. Z5 के आने से तो चार चांद लग गए हमारे इवेंट में, एक मायने मिल गए, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे प्रोमोटर मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जब कॉरपोरेट्स इंडोर्स कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. एंड जो 60 kids today, for me the highlight was 60 participants were there for the talent show. Five were selected and all four were winners. We are going to send all four recognitions, and all participants got recognition certificates. We made sure everybody got a picture, and what a day of excellent performances. They stunned us with the, aapne wo saxophone wale insaan ko dekha, the singer Neil Nair, we have interviewed couple of times. That guy plays I believe over 117 instruments, and he played songs of Govinda, you know, Govinda's hits, and Govinda came and danced to his tunes, you know. So that was just an awestruck moment. And the dancer kid, the dancer kid, amazing, and the little girl who sang, बहुत अच्छी आए. तो मुझे तो यही लगा कि Bay Area's got talent, फिर वापस आना चाहिए, and hopefully it'll become an IP. So thank you all for supporting us. Thank you so much for the viewers of Yo India TV for coming and supporting all the young talent that Bay Area has to offer. Thank you so so much, Jasleen. Thanks a ton, and keep enjoying, keep watching this wonderful show only on Yo India TV. Let's rock it together. Thank. In fact, मैं ये कहूँगा कि मैं जो गोविंद से गोविंदा हुआ हूँ उसमें डांस और गाना, और जो मेरे जो प्रोड्यूसर्स जो थे वो लोग
और मेरे सीनियर्स और खासतौर पे मेरी हीरोइन जो हैं उनका मुझ में विश्वास था. उनकी सोच में ये थॉट था कि गोविंदा विल नॉट किसी से मतलब, हालांकि पिक्चर का टाइटल है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता तो उनका पूरा विश्वास था कि मैं इस विषय में कभी झूठ नहीं कहूँगा. तो चाहे जो प्लानिंग मैंने की हो उस टाइम पे, वो तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते थे. और ख़ासतौर पे डेविड का मैं तारीफ करना चाहूँगा, डेविड धवन जी की. हम लोग कम से कम एक दर्जन हिट फिल्में दी हैं हम लोगों ने. ये भूतों ना भविष्यते हैं, क्योंकि जो मैं कह दिया करता था वो समटाइम्स कीर्ति भैया भी जो है वो भी नहीं मानते थे मेरी बात, लेकिन डेविड तो रिफ्यूज नहीं करता था कभी. तो वी कुड गिव सो मेनी हिट्स. Come on.
into an investment fund. My husband, my hero number one, my pati number one, yeah, and now I'm waiting for him to mature. That's my set, guys. Thank you so much. You've been a wonderful audience.